नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। माननीय मुख्यमंत्री जी को और पासवान जी को ही बोलना है। हाँ, थोड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं रामविलास पासवान जी का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूं। मीडिया के साथ यहां बैठे हुए हैं, बिना बोले बिना किए बहुत चीज की जानकारी इनको हो जाती है। कई बात मेरे बारे में मुझको जानकारी नहीं रहती, वह बात इन लोगों को जानकारी हो जाती है। आदरणीय पासवान जी, इसी तरह का कुछ कार्यक्रम आयोजित करते रहिए, ताकि इन लोगों को बिना कुछ किए हुए जो जानकारी होती है सिलसिला बंद हो जाए। मित्रों, जो बहस चल पड़ी है इस देश में, आरक्षण को समाप्त करना है कि आरक्षण को रखना है, मैं समझता हूं कि यह बहस अनजाने नहीं हो रही। यह बहस आरक्षण को समाप्त करने के लिए नहीं हो रही। आरक्षण कौन समाप्त कर सकता है इस देश से तत्काल? अभी जो कोई भी आरक्षण समाप्त करने का काम करेगा, कोई पार्टी करे कोई सरकार करे, वो अपने डेथ सर्टिफिकेट पर खुद हस्ताक्षर करने का काम। इसलिए प्रश्न पैदा नहीं होता है, सबको मालूम है कि आरक्षण नहीं समाप्त हो सकता है। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। आरक्षण समर्थक शक्तियां इस देश में इतनी सजग है, दलित सेना और इस तरह के और संगठन इतने सजग हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि आरक्षण को समाप्त करें। बात इस यह बिल्कुल ही नहीं है, साजिश के तहत इस तरह की बहस कराई जा रही है, ताकि आप उसी में उलझे रहिए। अब उसमें उलझे रहने की जरूरत नहीं है, अब तो दिल मांगे मोर। हम नारा लगाते हैं अंबेडकर साहब का नाम लेकर कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, अब इसको हम लोग करेंगे पूरा। तो बाबा साहब का मिशन आरक्षण समाप्त हो कि आरक्षण रहे, इस बात पर बहस करने में थोड़े ही। बाबा साहब का मिशन कोई लोग कहते हैं कि छीन लेंगे, हम तो कहते हैं और लेंगे। मिशन अभी अधूरा है, मिशन अभी अधूरा है, और जब तक मिशन पूरा नहीं होता है, जो दिल तो मोड़ मांगेगा। हमें खुशी है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आज पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, देश के प्रहरी के रूप में बैठा हुआ है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता, सबको मालूम है। हम इस मंच से धन्यवाद भी देना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को। कोर्ट ने कुछ कहा, तुरंत सरकार ने डिसीजन लिया, रिव्यू पिटीशन दायर हो। हम इसलिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी को, हिंदुस्तान के उनसे भी जो बड़ी ऊंची कुर्सी है राष्ट्रपति जी की कुर्सी, उस पर भी किसी दलित समाज के व्यक्ति को उन्होंने बैठाने का काम। लेकिन हमारी चिंता तो तब बढ़ जाती है जब भारत के राष्ट्रपति भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की स्थिति अच्छी नहीं है। राष्ट्रपति जी ने कहा, उनके मन के दर्द को समझने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की संख्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली में, जितने लोग अभी बहाल हैं, 25% भी नहीं है। महिलाएं भी, सभी महिलाएं शोषित समाज से आती हैं। ओबीसी एससी एसटी अभी वहां इनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं। आजादी के बाद से लेकर अब तक अपवाद के लिए एकाद कभी कभी हुए हैं, अन्यथा नहीं। कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, कोर्ट के फैसले ऐसे नहीं आ रहे। कोर्ट का फैसला इसलिए इस तरह का आ रहा है कि हमारे लोग वहां नहीं है। मित्रों, देश के संविधान में
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लोकतंत्र की बात की, लोकतंत्र का मंत्र हमको दिया, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चाय बेचने वाला, बर्तन मांजने वाली का बेटा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तो बन जाता है, खुशी होती है। एसपी कलेक्टर तो बन जाता है ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला का बेटा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बन पाता। नहीं है लोकतंत्र वहां। हमारी सरकार ने कोशिश की, हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल पर कोशिश हुई, पार्लियामेंट ने कुछ डिसीजन लिए, जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के चलते हम ओबीसी एससी एसटी की बात को छोड़ दें, आज गरीब ब्राह्मण परिवार का भी कोई होनहार नौजवान, प्रतिभावान नौजवान अगर चाहे कि हम मेहनत करके पढ़ लिख कर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बन जाए तो नहीं बन सकता। हमारी सरकार ने कोशिश की, पहल हुई, डिसीजन हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। अब तो सुप्रीम कोर्ट से ही मैंने बार बार आग्रह किया है और इस मंच से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से भी ही हमारा गुहार होना चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन जरा यह भी बता दीजिए कि आजादी के बाद से लेकर अब तक कितने लोग हुए जो झोपड़ी से निकलकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बना है। और आप ही कोई व्यवस्था कर दीजिए, हम उनसे ही गुहार करना चाहते हैं कि आप ही कोई व्यवस्था कर दीजिए ताकि दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के लोग भी जज बन सके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और मेरा मानना है कि जब तक हमारे लोग वहां नहीं होंगे तब तक रोज इस तरह के फैसले आते रहेंगे। अभी गुजरात के एक जज साहब ने कह दिया कि आरक्षण देश की बर्बादी का कारण है। अब इस तरह के स्टेटमेंट, इसका कारण और कुछ नहीं, और इन तमाम बीमारियों की दवा और कुछ नहीं हो सकती। इन तमाम बीमारियों की दवा वही है कि हमारे लोग वहां जाएं, तो हमें उस ओर अब जाना पड़ेगा। दलित सेना के भाइयों, हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं,